दोस्तों, लोग अपने घर में किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम कचरे में नहीं फेंक सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खराब होने के बाद इन चीज़ों को कहाँ रखा जाता है? अगर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं मालूम है तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रेसिडेंट बस्ट। वर्जीनिया के 10 एकड़ एरिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट की 43 बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियों को हॉस्टन के आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसे पार्क ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था। इस पार्क में रखे मूर्तियों का साइज 20 से 22 फीट तक ऊंचे थे और उनका वजन 997 किलो से भी ज्यादा था। लेकिन 6 साल चलाने के बाद अचानक इस पार्क को बंद कर दिया गया और इन मूर्तियों को एक ग्रेवयार्ड में रख दिया गया। इस पार्क के बंद होने के बाद रखरखाव के अभाव में यह मूर्तियां जर्जर होने लगी थी। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए इस पार्क को क्यों बंद कर दिया गया, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। टेलीफोन बॉक्सेस। पहले के समय में टेक्नोलॉजी की कम उपयोग होने के कारण सभी के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। उस समय पर लोग किसी से बात करने के लिए एसटीडी पीसीयू का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें रेड बूथ में रखा जाता था। लेकिन आजकल बढ़ते टेक्नोलॉजी की वजह से सभी के पास अपना पर्सनल मोबाइल फोन हो चुका है, जिसके कारण अब इस टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। इन सभी टेलीफोन बूथ को निकाल कर एक ग्रेवयार्ड में रख दिया गया है। इनमें से कुछ केबिन का लोग रेड कैफे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कार ग्रेवयार्ड। आज की जनरेशन में सभी लोग अपने सुख सुविधाओं को और ज्यादा आसान बनाने के लिए सरकारी साधनों का उपयोग ना करते हुए सब कुछ पर्सनल चाहते हैं, जैसे कि कार। अब कार की इतनी मांग के कारण कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में कार बना रही है, लेकिन कभी कभी यह कार सेल नहीं होने की वजह से कंपनी में ही रह जाती है और खराब होने लगती है। इन कारण से कार को ग्रेवयार्ड में ले जाकर रख दिया जाता है। इन ग्रेवयार्ड में बहुत सी कारें रखे रखे ही कबाड़ हो जाती है। इस प्रकार लोग पहले टैक्सी का बहुत ज्यादा यूज करते थे, लेकिन अब सभी के पास कार हो चुकी है तो टैक्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण यह टैक्सी भी ग्रेवयार्ड में रखे रखे धूल खा रही है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिस्टीरियस स्टैच्यू। इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं जिसे आसानी से देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही एक जगह है जहाँ पर लकड़ियों की मूर्तियाँ अलग अलग पोज पर बनी हुई है, कहीं योग के पोज में तो कहीं खेतों में काम करते हुए पोज में तो कहीं बच्चे खेलते हुए। यह मूर्तियाँ आज तक एक रहस्यमय ही बनकर रह गई है। यह आज तक कोई नहीं जानता है इन मूर्तियों को किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया गया था। केंजी हंग स्टॉम। चाइना के सम्राट केंजी हंग एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिसके पास 8000 से भी ज्यादा सैनिक थे। इन्होंने कई सारे युद्ध जीते हैं, जिसके बाद उन्होंने सभी सैनिकों की एक मूर्तियां बनवाई थी और इन मूर्तियों को बनवाकर मिट्टी से ढका दिया था। इनमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 8000 लोगों की मूर्तियां थी। इसे 1974 में चाइनीज फार्मर्स के द्वारा इसे खोजा गया था। ये मूर्तियां मिट्टी में दबी हुई थी। ये सभी मूर्तियां एक लाइन में खड़ी हुई थी। इसे इतिहास के सबसे बड़ी खोज में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।